जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आज की जो मेकअप लुक है ये बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है, बहुत ही मैंने जल्दी मेकअप ये मेकअप आप कर सकते हैं। अगर आपने ये मेकअप करना है मतलब डे टाइम में या फिर किसी भी आप कैजुअल इवेंट में जा रहे हैं तो आप लोग इस तरह का मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आइस मेकअप स्टार्ट किया था, बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप है। मैंने आइस मेकअप पे कंसील कर दिया था, ठीक है, टार्ट की कंसीलर से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिस्टीन की किट लेके ब्राउन कलर से शेड लगाया आउटर कॉर्नर पे, और उसके बाद ब्राउन कलर को जो है मैंने लाइट ब्राउन कलर से, जो क्रिस्टीन की ही दूसरी नंबर वन कलर में होता है शेड, तो वो मैंने दोनों कलर से ब्लेंड किया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और सेंटर आईबॉल में मैंने जो है वो क्रीमी शेड लगाया है, इसका कलर जो है आप लोग देख सकते हैं ग्रीनिश सा कलर है लाइट। और उसके बाद इनर कॉर्नर मैंने कर दिए थे, ठीक है। और इनर कॉर्नर के बाद मैंने लाइनर लगाया, सिंपल लाइनर लगाया है मैंने, कोई ज़्यादा मतलब लाइनर मैंने विंग नहीं निकाला, बिल्कुल नेचुरल सा एक लुक रखना था मुझे। ये मेकअप आप किसी भी इवेंट पर कर, तो ये मेकअप आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं किसी भी इवेंट पे जाना है तो आप ये मेकअप कर सकते हैं। जिनको सॉफ्ट मेकअप पसंद है वो इस तरह का मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। लाइनर आप देख लें, और लैशेज मैंने नहीं लगाई थी, लैशेज मैंने नहीं लगाई क्योंकि डबल कोट करके मुझे मस्कारा लगाना, तो मैंने लैशेज भी नहीं लगाई, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि मस्कारा मैंने बॉब का यूज़ किया है, बड़ा ज़बरदस्त मस्कारा है ये, और लॉन्ग लास्टिंग भी है। आप लोग लाजमी इस मस्कारे को यूज़ कीजिएगा, और वाटरप्रूफ भी बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। सो यहाँ पे देखें मेरा ऑलमोस्ट जो है वो आई मेकअप डन हो चुका है। बेस करनी है मुझे, बेस में मैंने सिंपल एक ही फाउंडेशन मैंने लगाई है। अच्छा, मैंने वाइप से जो है इनकी फेस को क्लीन करना था, मैंने रोज़ वाटर स्प्रे करके और फेस अच्छी तरह से फेस को क्लीन किया। यहाँ पे मैंने इमली का फाउंडेशन लगाया है, और कलर इसका जो है वो 03 नंबर है, ठीक है। सो बिल्कुल कम क्वांटिटी में आप लोग देख सकते हैं कितना कम मैंने जो है वो लगाया है फाउंडेशन, और इसी को मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगा, ठीक है, ब्लेंड कर दूँगा, और ये स्किन के अकॉर्डिंग जो है ये इसका कलर सेट हो जाएगा, बिल्कुल नेचुरल सा आपको जो है इसका लुक मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पूरे ही फेस पे जो है अप्लाई कर दिया था, नेक पे अप्लाई कर दिया था, और एक ही फाउंडेशन के साथ मैंने आज का जो लुक है वो मैंने आपको बताया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सिंपल मेकअप है। आप लोग जो है वो किसी भी इवेंट पे, या फिर जिनको ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं होता वो लोग भी इस तरह का मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। पूरे फेस पे मैंने ब्लेंड कर दिया था बेस, और कंटोरिंग देख लें, कंटोरिंग जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है। आपका जो फेस पे ब्राउनिंग होती है उससे आपका फेस जो है वो स्लिम लगता है, स्मार्ट फेस लगता है आपका, और कट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं, ठीक है। तो कंटोरिंग आपने लाजमी करनी है, और फोरहेड वगैरह भी मैंने क्या कंटोर कर दिया था। इसके बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ किया, हाइलाइटर जो आपको पता है कि मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर है APK का, और इसमें इस हाइलाइटर में तमाम शेड आपको मिल जाते हैं स्किन कलर के, बहुत ज़बरदस्त इसकी पिगमेंट है। और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जितना चाहें इस हाइलाइटर को ज़्यादा लगाएं, जितना चाहें आप कम लगाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का जो है लुक चाहिए, ठीक है। मैंने पूरा मेकअप करने के बाद यहाँ पे देखें आईब्रोज कर दी थी, वाटर स्प्रे कर दिया था मैंने, उसका बॉब का जो है मैंने स्प्रे किया था, ठीक है, फिक्सर जो होता है, ताकि हमारा जो बेस वगैरह है, जो पाउडर वगैरह है, वो बिल्कुल सेट हो जाए स्किन में जाके एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल सा हमें लुक मिले। यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे मैंने जो है ब्राउन सा शेड लगाया था, ताकि हमारी आईज जो है वो थोड़ी सी इनहेंस होती लगे, मतलब बड़ी बड़ी दिखा। तो यहाँ पे जो है मैंने नीचे लैशेज पे मस्कारा लगा दिया था, बिल्कुल नेचुरल से मैंने मस्कारा लगाया, क्योंकि हमें पूरा मेकअप ही नेचुरल लगना था। ये देखें कि ये इनका फाइनल लुक है, कितना सॉफ्ट मेकअप है। और अगर आपको मेकअप पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।